गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मेरी वन ब्रांड किट की सीरीज़ में मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये हम सबका ही फेवरेट ब्रांड है, द मोस्ट कॉमन ब्रांड, द मोस्ट फेवरेट ब्रांड, द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड विच इज़ लैक्मे। सो गाइस, इसको मैंने इस तरीके से ये मेरे जो वैनिटी बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके रखा है। ये वैनिटी बॉक्स मैंने अमेजन से परचेज किया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो आप, ये इस तरीके के लाइक इसमें काफ़ी सारे ये थे, डिवाइडर्स थे, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके और इसमें सारे प्रोडक्ट्स सिक्योर करके रख लिए हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले आई थिंक आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये देखो, इसके अंदर एक पार्टीशन ये भी है, तो ये कुछ आई लैशेज हैं जो कि लैक्मे से नहीं है, लोकल ब्रांड से है, तो इसकी बात नहीं करते हम अभी, बट मैं इसके साथ रखती हूँ उसको। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ जब मैंने इसको लैक्मे की साइट से मंगाया था। स्पॉटलाइट स्मोकिंग ग्लैम जो मेरा आई शेडो पैलेट है, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ द पैलेट, एंड एक ही पैलेट है मेरे पास ये स्पॉटलाइट का, लैक्मे का। एंड ओके, दिस इज़ अनदर आई लैशेज, इसको भी हटा दो। एंड आई थिंक इसके अंदर एक ग्लू होगा, ग्लू मैंने कहीं और रखा होगा। एंड गाइस, ये है मेरा मस्कारा, लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक मस्कारा है ये, कर्लिंग मस्कारा। एंड या इस तरीके से आता है ये, बहुत ही इजी टू अप्लाई होता है और काफ़ी अच्छे से कर्ल कर देता है हमारे आईब्रोज को, हमारे आई लैशेज को, नॉट आईब्रोज। एंड ऑल्सो हियर इट इज़, ये है मेरा लैक्मे आइकॉनिक का वाटर प्रूफ नो स्मज 10 आवर्स डे डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड काजल है ये, और ये वाटर प्रूफ है, और इसका जो शेड है वो है डार्क ब्राउन। मुझे डार्क ब्राउन कलर बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें डार्क ब्राउन ही परचेज किया है। एंड नेक्स्ट इज दिस आई लाइनर, ये देखो, ये भी वाटर प्रूफ है गाइज। एंड अनदर वन इज दिस ब्लू आई लाइनर, 80 रुपीज़ तक का आ जाता है ये डिस्काउंट के बाद। इससे भी मुझे आई लुक करना बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर लगता है ये आँखों पे। तो ये है मेरा, ये हो गया सारे मेरे आई मेकअप के कलेक्शन में। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास लैक्मे का मेकअप क्लिंजर। सो लाइक मेकअप करने के पहले थोड़ा सा फेस पे लगा के मैं वाइप ऑफ कर देती हूँ, या फिर समटाइम्स मैं इसको मेकअप रिमूव करने के लिए या फेस को क्लीन करने के लिए भी बेड पे जाने से पहले मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि मैं ये लगा लूँ अपनी फेस पे और वाइप ऑफ कर दूँ, ताकि मेरा स्किन जो है साफ हो जाए। बहुत अच्छा है ये, आई लव दिस। एंड या सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़, या दिस इज़ द लैक्मे का ज्वेल सिंदूर इन द शेड, ये मरून शेड में है। अभी तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं, जब भी कभी लैक्मे से वन ब्रांड किट मेकअप करती हूँ मैं। एंड ओके, सो ये है गाइस लैक्मे 9 to 5 नेचुरल जेल मेकअप रिमूवर विथ प्योर एलोवेरा। ये है एक मेकअप रिमूवर जेल जो कि आई एंड फेस मेकअप के लिए है, इसको भी मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये वन स्वाइप में मेकअप रिमूव कर देते हैं मेरा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी बजट में है। 175 रुपीज़ इसकी MRP है और ये डिस्काउंट पे मिल जाता है। ये भी मैंने lakme.com से ऑर्डर किया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस इज़ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, 99 रुपीज़ का है ये। जब मुझे CTM करना होता है स्किन केयर के लिए, एज अ मॉइस्चराइज़र मैं इसको यूज़ करती हूँ गाइस। यहाँ पर मेरे पास कुछ सैम्पल्स भी हैं, दो की एक है लैक्मे CC क्रीम बेज, एंड साथ ही साथ इसके साथ मुझे ये सैम्पल रिसीव हुआ था लैक्मे से, ये इसकी सनस्क्रीन का। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया है, बट जब मुझे सनस्क्रीन लगाना होगा, जब मुझे मेकअप करना होगा, मेरे पास सनस्क्रीन नहीं होगी, तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। एंड अब अनदर थिंग है, वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। तो या 30 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी है इसकी, और आई थिंक ये मैंने नायका से परचेज़ किया था, इस पर मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिला था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गाइज, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपको धीरे धीरे करके सब दिखाऊंगी। सो ये देखो, ये है टोनर, दिस इज़ द टोनर लैक्मे एब्सोल्यूट पोर फिक्स टोनर। तो फेस को वॉश करके क्लीन फेस पे, मेरे पास इनफैक्ट फेस वॉश भी है लैक्मे का, बट वो अभी मेरे वॉशरूम में है,
तो अभी मैं नहीं लाने जा सकती हूँ, सॉरी गाइज। बट हाँ, मैं पहले लैक्मे का स्ट्रॉबेरी जेल फेस वॉश यूज़ करती हूँ, देन मैं टोनर अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ यूजिंग दिस पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, एंड फिर मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद आई जस्ट पुट ऑन माई प्राइमर, और प्राइमर के बाद मेरे पास फाउंडेशंस और बेस मेकअप के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। मैं अपने मूड के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है लैक्मे में। तो ये तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मूस फाउंडेशन, लैक्मे का स्किन नेचुरल मूस मटीरियल। इसमें मेरा शेड है 02 रोज फेयर, और यस दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा होता है। ये देखिएगा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती, और इस तरीके से बिल्कुल मूस क्रीम की तरह आता है ये। और सबसे क्यूट तो मुझे इसकी पैकेजिंग लगती है, जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, कितनी क्यूट से डब्बे में आता है ये। एंड या बेस मेकअप में ही रहते हैं अभी, तो ये छोटे छोटे मैंने सैम्पल्स मंगाए थे जस्ट देखने के लिए कि कौन सा मेरे स्किन टोन पे सूट करेगा। तो एक तो मैंने ये वेटलेस मूस फाउंडेशन मंगाया था, 6 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और ये है रोज़ आइवरी 01 शेड। ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से मैच कर जाता है। और ये मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम्स मंगाई थी, 9 ग्राम का जो सैम्पल होता है, छोटा छोटा सैशे होता है। एक है 01 बेस एंड दिस इज़ 03 ब्रोंज। ब्रोंज मैंने कोई एक यूट्यूबर के सजेशन पे ऑर्डर कर दिया था, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है, मे बी इसको मैं कॉन्ट्यूरिंग वगैरह, वैसे मैं ये सब करती नहीं हूँ, बट लेट्स सी अगर मैं यूज़ कर पाऊँ तो। ब्रोंज इज़ वेरी डार्क फॉर माई स्किन टोन। एंड या नेक्स्ट थिंग इज दिस लैक्मे फेस शेयर डेजर्ट रोज। ये गाइस, ये हाइलाइटर भी आता है और ये आपका ब्लशर का भी काम करता है। तो इसको जब मैं ले रही थी ना, ये मैंने न्यू यू में जो लैक्मे का सेलर था उससे लिया, उसने मुझे दिखाया कि ये रिमूव हो जाता है, आप इसमें से पार्टिकल निकाल के अपने फाउंडेशन पे भी मैच कर सक मिक्स कर सकते हो, और देन आपका फाउंडेशन में एक ग्लो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी सी हाईलाइट देता है ये। एंड या बहुत ही प्यारा सा ब्लशर है ये लैक्मे का। तो ये किए है और देखती हूँ मैं। ओके, अब हम कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट्स की तरफ स्विच करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन। ओके, तो ये ना काफ़ी हद तक जो हमारा मैक का जो स्टूडियो फिक्स है ना, उसका ड्यूप मैं बोल सकती हूँ इसको, क्योंकि बहुत ही सही प्राइस में सेम टाइप की चीज़ मिल जाती है। ये इस तरीके से देखो, इसका कितना प्यारा एप्लीकेटर है, और इसमें ये डॉट्स बने हैं। अगर आप इसको वेट करके यूज़ करते हो तो ये सूख जाएगा बहुत इजीली, ख़राब नहीं होगा। और ये इतना सा प्रोडक्ट मिलता है, और आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो कितनी कूल पैकेजिंग है। और इसको मैं हमेशा ऐसे ढक के रखती हूँ ताकि मेरा मिरर क्लीन रहे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गंदा हो जाता है। तो ये भी एक है प्राइमर के ऊपर, जस्ट इसको लगा लो, या फाउंडेशन वो मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा लो, आपको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही प्राइमर भी है और फाउंडेशन भी है और पाउडर भी, तीनों चीज़ें हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि सीरियसली अगर मॉनसून है और आपको वाटर में जाना है, पानी वाटर प्रूफ मेकअप चाहिए, आप बस लैक्मे का प्राइमर लगाओ और इससे मेकअप कर लो। दिस इज़ लैक्मे ऑल इन वन पैनकेक फाउंडेशन कॉम्पैक्ट कंसीलर। सारी चीज़ें हैं ऑल इन वन है, तो फाउंडेशन भी है, कॉम्पैक्ट भी है, एंड कंसीलर भी है। आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और प्राइमर की, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई दिस। इंडियन स्किन टोन पे मोस्टली ये जो आपका नेचुरल मार्बल शेड है ना, वो चल जाता है। ये मेरा शेड है नेचुरल मार्बल। एंड या मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बस 3 कॉम्पैक्ट्स हैं लैक्मे के, जिसमें कि मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज ये है सन एक्सपर्ट SPF 40 के साथ आता है ये। एंड इसको मैं बहुत लगाती हूँ, जब भी कभी मुझे बाहर जाना होता है तो मैं सारा मेकअप करके और इसको ऊपर से लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन है। एंड वैसे भी सीसी क्रीम्स में भी लैक्मे की थोड़ी सनस्क्रीन होती है, तो सब मिला के SPF 60 हो जाता है, तो स्किन काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट रहती है सनरेज से। और ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही पुराना है ये और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये लैक्मे का रेडियंस कॉम्पैक्ट है, मेरा शेड है नेचुरल मार्बल, और ये देखो
ये इस तरीके से होता है। मैंने इसका जो एप्लीकेटर था वो निकाल के फेंक दिया है, बिकॉज मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ, इसी से मैं अपना जो पाउडर है उसको सेट करती हूँ इसी ब्रश से। और ये देखो ये शेड, ओके, ये है नेचुरल मार्बल। एंड या लूज़ पाउडर की बात करें तो मेरे पास विद सनस्क्रीन आता है, ये लैक्मे का रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये तो जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं 7-8 साल से मुझे ध्यान में है, ये मेरे घर में मेरे पापा लेके आते थे, तब इसका कार्टन बॉक्स का डब्बा होता था और खुशबू तो बस पूछो मत। अब तो खैर इसमें इतनी फ्रेग्रेंस नहीं रह गई है, बट बचपन में जब हमारे घर में आता था इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी। ये देखो इसमें से कैसे उड़ाना ये पाउडर, अभी तो काफ़ी फ्रेग्रेंस कम है, तो बॉक्स में रख के हिल डुल के इस तरीके से खुल गया है गाइस, आई होप आप देख पाओ। या ये देखो इस तरीके से, इसके साथ भी बहुत प्यारा सा एप्लीकेटर था, पर मैं मोस्टली इसको ब्रश से ही लगाती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ बंद ताकि मेरा प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। ये देखो कितना पाउडर उड़ गया इसमें से। तो ये है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है और मेरे से भी मिस हो गया। मैंने इसका जो ये पार्ट था ये क्लोज करके नहीं रखा, इसमें से ये निकाल दिया, मुझे निकालना नहीं चाहिए था। तो बस अब ये उड़ता रहेगा, ये जब भी खोलूँगी मैं बंद करूँगी तो ये उड़ता रहेगा, भैया आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और ये 170 रुपीज़ में 40 ग्राम मिलता है विथ SPF, बहुत अच्छा पाउडर है, बहुत ही अच्छा। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्किन केयर के अंडर में ही मेरी दो लैक्मे की क्रीम्स। सो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग डे क्रीम विथ सनस्क्रीन। ओके, ये मेरी बहुत फेवरेट क्रीम है। पहले जब मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती थी तो मैं सिर्फ फेस वॉश करती थी और ये क्रीम अप्लाई कर लेती थी और गुड टू गो हो जाता था। बहुत ही अच्छे से एकदम से एक इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है स्किन को। इस तरीके से ये काफ़ी थिक सा इसका वो है, टेक्स्चर है, यू कैन सी। ओके, ये मैंने ये मैंने लैक्मे की साइट से ही ऑर्डर किया है या फिर अमेजन से मंगाया होगा, मुझे याद नहीं है, पर मैं सबका प्रोडक्ट लिंक आपको डेफिनेटली दूंगी। एंड गाइस ये मैंने नायका से मंगाया क्योंकि lakme.com पे ये अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। लैक्मे 9 to 5 मैटे मॉइस्ट मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर विथ ग्रीन टी, और ओ माई गॉड मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी खुशबू बिल्कुल ही ग्रीन टी की तरह है, ऐसा लगता है जैसे कि बस चाय किसी ने उबाल के सामने रख दी है। बहुत ही प्यारा है ये, नॉन ऑयली है, समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अभी विंटर में तो मैं ये पीच मिल्क मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली कर देता है फेस को, पर ये तो बहुत ही अच्छा है, तो इसको मैं समर्स में बहुत यूज़ करने वाली हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, अब मेरी जो चीज़ें बची हैं वो है मेरी लिपस्टिक्स। तो चलिए मैं अपनी लैक्मे की लिपस्टिक्स आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट मूस लिप एंड चीक कलर, और इसमें 1 get 1 मिल रहा था मुझे न्यू ईयर के पहले, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, मैं ख़रीद लेती हूँ। और फिर ये देखो कितनी सुंदर है ये लिपस्टिक और इसका एप्लीकेटर, बहुत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैंने इसको अप्लाई किया ना तो बिल्कुल ही ग्लो सा आ गया फेस पे, और ये कलर है क्रिम्सन सिल्क, बहुत ही प्यारा कलर है। मैं स्वाच करके दिखा देती हूँ, रुको एक सेकेंड मैं स्वाच करती हूँ अभी इसको आपके सामने। ये देखो कितना प्यारा कलर है। और जो दूसरा कलर है मेरे पास इसमें, जो दूसरा शेड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, विच इज़ प्लम फेदर। ये एक बहुत ही प्यारा सा प्लम शेड है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। प्लम फेदर कैन सी द शेड, अभी आपके समझ में आएगा। और इसका टेक्स्चर गाइज, ये चूंकि मूस लिपस्टिक है ना तो बहुत ही प्यारा टेक्स्चर है इसका, बहुत ही प्यारा, कैन सी द कलर। सो यस, ये दो लिपस्टिक हो गई मेरी 9 to 5 लिप एंड चीक कलर, मैटे मूस है ये, मैट मूस में आती है ये लिपस्टिक। और जो मेरी लिपस्टिक्स हैं काफ़ी सारी हैं मेरे पास, एक तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट ऑर्गन ऑयल लिपस्टिक, मेरा शेड है इसमें रूज स्प्लैश। ये मुझे लैक्मे से शॉपिंग करने पे फुल साइज़ की लिपस्टिक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिली थी, तो इसका भी शेड देख लो आप एक बार,
ये तो बुलेट लिपस्टिक है, नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक है, ये शेड देखो ऑलमोस्ट इन दोनों का शेड सेम ही है। तो ये डेफिनेटली मैं किसी को गिफ्ट करूँगी, मेरे किसी फ्रेंड को या सिस्टर को। एंड गाइस द नेक्स्ट थिंग इज दिस वन। इस रेंज में मेरे पास सिर्फ एक ही लिपस्टिक है, लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मिल्क लिक्विड लिप कलर, एंड मेरा शेड है इसमें पीच रोज। सो ये भी बाय वन गेट वन पे मिल रहा था, मेरी सिस्टर ने इसमें दूसरा कलर लिया और मैंने ये शेड लिया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे डार्क शेड थे जिनको कि न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये शेड परचेज किया। देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल सा न्यूड कलर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ये एक मेरे पास जो लैक्मे का लिप क्रियॉन होता है ये है, इसका शेड है लैक्मे लिप क्रियॉन बेरी रेड। यू कैन सी हियर इज द बेरी रेड ओके। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट, चलो मैं सारा एक साथ निकालती हूँ। मेरे पास मैंने काफ़ी सारे खरीदे थे लैक्मे के lakme.com से ही ऑर्डर किया था, तो मैंने कुछ गिफ्ट्स में भी दिया है। तो मेरे पास जो अभी बचे हैं वो है ये तीन कलर। ये है लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर, तो ये बाय थ्री गेट वन था आई थिंक जब मैंने ख़रीदा था, और इसके साथ मुझे लैक्मे का उसका डब्बा भी मिला था, फेशियल किट का भी डब्बा फ्री में मिला था। तो ये देखो आप, ये थोड़ी देर में मैट हो जाता है, उसके बाद ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। तो ये जो शेड है ये अगेन क्रिम्सन रोज है ओके। अनदर शेड इज फ्यूशिया चीक, दिस इज फ्यूशिया चीक ओके। एंड दिस वन इज न्यूड ट्विस्ट। ये इसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ये मेरे लिए बहुत मतलब कीमती वाली लिपस्टिक है, ये कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आई मैं, कहीं नहीं मिल रही थी कहीं पे भी नहीं। ये देखो ये है न्यूड ट्विस्ट, बहुत ही प्यारा ब्राउन लिप कलर है, ये बहुत पसंद है मुझे। एंड अब मैं बात करती हूँ मेरी लैक्मे 9 to 5 की चार लिपस्टिक्स हैं मेरे पास। सो गाइस इसमें तो मैंने काफ़ी गिफ्ट भी किया है, लाइक एक मेरे पास था रेड कोट जो कि मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया है, एक मेरे पास था रोजी संडे मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया, मैंने अपने लिए रीपर्चेज किया। सो यस ये है आपका लैक्मे 9 to 5 लिपस्टिक प्राइमर प्लस मैट। इसमें है रूबी रश, ये इस तरीके की बुलेट लिपस्टिक है, इतनी प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है ठीक है। दिस इज़ द शेड रूबी रश ठीक है, मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा रूबी कलर है, ये पिंक रेड है ये आई कैन से। द नेक्स्ट वन इज मेपल मैप, माई ऑल टाइम फेवरेट, इसको मैं बहुत लगाती हूँ, आपको देख के समझ में आ जाएगा मैंने बहुत यूज़ करा हुआ है इसको ओके। बहुत ही प्यारा सा न्यूड कलर है ये, आई लव दिस कलर, माई मोस्ट फेवरेट वन, यू कैन सी मेपल मैप, एवरी डे कलर है ये, आप एवरी डे इसको वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। एंड या दिस इज रोजी संडे, या वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कलर है ये देखो आप, ये पिंक न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है ये लिप्स पे। एंड या जगह तो मेरे हाथ तो पूरे भरते जा रहे हैं, मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगी आपको स्वॉच करके। दिस वन इज ब्लश बुक, ओ ऑसम, जस्ट लुक एट दिस सॉफ्ट न्यूड बेबी पिंक कलर। जब मैं काफ़ी ज़्यादा फेयर मेकअप करती हूँ ना, तो इसको ज़रूर लगाती हूँ, ये देख रहे हो आप, ये अगर आप डार्क स्किन टोन के हो ना तो आपको लाइक वॉश ऑफ कर देगा, बट अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू फेयर स्किन टोन की तरफ हो ना, इतना प्यारा शेड है ये तो ज़रूर फेयर स्किन वालों को ट्राई करना चाहिए। एंड या द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन इज कैरेमल कट, सो या लेट्स सी द स्वॉच, वेरी ब्यूटीफुल न्यूट्रल न्यूड शेड, वेरी ब्यूटीफुल न्यूड शेड यू कैन सी। सो अब मेरे पास इसमें जो बचा है वो है ये जब मैं अपनी शादी के टाइम पे किट बना रही थी ना, तो मैंने ये शेड लिया था एवरीडे वेयर के लिए, बट गाइस ये ना वो थोड़ा सा रस्ट रेड होता है ना उस शेड में है, बट ये बहुत डार्क हो जाता था तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया।
ये मेरे ऑफिस में लगा के जा नहीं पाती थी, समटाइम्स लगाती थी पर उसको बहुत फिर वाइप कर लेती थी या कुछ इस तरीके से लाइट करने की कोशिश करती थी। इस पे लिखा है लैक्मे, यहाँ पे अभी भी सोचो मैंने इतना भी यूज़ नहीं किया कि ये ख़त्म हो जाए। एंड ये इसमें मेरा शेड है R352 इनरिच सैटिन, लैक्मे इनरिच सैटिन नाम है इसका। और या R352 है शेड नंबर एंड 921 में ये एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे इसको ख़त्म करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है लिप लव, लैक्मे लिप लव स्ट्रॉबेरी विद SPF 15। एंड या इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है Feb 22। सो ये देखो अब तो इसमें भी बहुत ही प्यारा सा कलर पे ऑफ आता है, देख सकते हो आप। तो ये कभी कभी नॉर्मली मैं इसको लगा लेती हूँ, बहुत ही प्यारा है ये कलर स्ट्रॉबेरी वाला। इसमें मैंगो भी आता है, चेरी भी आता है, आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड मैं ऐसी वीडियोज़ आगे डालती रहूँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।